एसएसपी शलभ माथुर ने जिले के थाना परिसर में पुलिस द्वारा पकड़े गए वाहनों का जमावड़ा खत्म करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी ने सोमवार से एक महीने का अभियान चलाकर थानों में विभिन्न प्रकार के माल मुकदमाती, माल लदावा और बहुत दिनों से लंबित पड़े वाहन जिसके खराब होने और नष्ट होने की पूरी संभावना बन गई है उसके निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एसएसपी ने बताया कि थाना स्तर पर चौकीदारों की मीटिंग की जाएगी। थाना से संबंधित चौकीदारों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि एक अभियान चलाकर 46 वांछित अपराधियों को हिरासत में भी लिया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया, पूरे जो भी थाने के ऊपर माल अलग अलग किस्म के हैं, चाहे माल मुकदमाती हो, माल लावारिस है, लादावा है, कई बार जामा तलाशी के भी होते हैं, इनका एक बृहद अभियान एक महीने का जनपद में चलाया जा रहा है, शहर और देहात दोनों जगह। और इस संदर्भ में जो भी माननीय न्यायालय के और विभिन्न परिपत्र पूर्व में आए हैं उनको पुनः थाने पर भेजा गया है और उसके अंदर विस्तारपूर्वक प्रक्रिया लिखी गई है, बताई गई है कि किस तरह से इन मालों का निस्तारण करना है। और उसमें बहुमूल्य माल भी कई बार होते हैं, कई ऐसे माल भी होते हैं जिसके अंदर माननीय न्यायालय के यहाँ से डिसीजन भी हो चुका है, उनका निस्तारण करना, जामा तलाशी का, जो नीलामी का, अलग अलग प्रोसेस पूरी तरह एक्सप्लेन करते हुए अभियान चलाया गया है। और इसके अंदर एक चीज़ और रखी गई है, जो बेस्ट तीन थाने के जो कर्मचारी होंगे जो कि इसका क्रियान्वयन करेंगे बेस्ट तरीके से, और जो थाना अध्यक्ष होगा जिसके यहाँ से सबसे अधिक मालों का निस्तारण होगा उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। कब तक चलेगा सर ये? चालू हो गया है और अगले महीने के अंत में इसकी समीक्षा की जाएगी और उसमें ये भी बताया गया कि CEOs इसको डेली रूप से देखेंगे और एडिशनल SP के लेवल के ऊपर इसको वीकली समीक्षा की जाएगी। मेरे द्वारा ये अभियान आज से चालू किया गया है और अगले महीने अप्रैल के अंत में हम लोग इसकी पूरी समीक्षा और उसको चालू करने का प्रयास किए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में कल बैठक की गई थी और चौकीदार को एक तो उनको मोटिवेट करना उनके कार्य के लिए, उनके द्वारा कोई लापरवाह सूचना हो, अगर थाने पे उनके एरिया में कोई विवाद हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि पुलिस की जानकारी में लाना ज़रूरी हो, इस पूरे प्रोसेस के तहत ये हम लोग करेंगे। और इससे जो है कल एक पर्टिकुलर थाना क्षेत्र के अंदर शराब की भी बरामदगी हुई थी एक सूचना के ऊपर, तो इसी मीटिंग्स को, इसी जो संवाद है इसको हम लोग आगे जारी निरंतर रूप से रखेंगे। कुछ वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे? हाँ, लगभग 46 टोटल कल रात में अभियान चला था पूरे जिले में, शहर और देहात के अंदर, जिसके अंदर जो वारंटी और वांछित उनकी गिरफ्तारी जो है की गई है। लगभग 28 के आसपास जो वारंटी है उनकी और लगभग 18 के आसपास वांछित, टोटल 46 गिरफ्तारी जनपद में की गई।